Hello, my dear student. So let us continue the part of this IUPAC nomenclature rules and the examples. Now, just consider this example. Some of the times, some long chain molecules will be given to you, and you should be able to recognize and give the correct name. Okay? Now, this is an example given. You have to give the IUPAC name of this. CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Now you can recognize that this is a ethyl branch. CH2, CH3. Longest continuous chain will be required now. See this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbon are there. 1, 2, 3, 4, 5 are there. 1, 2, 3, 4, 5 are there. That is not possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6 are there. So, 7 carbon chain is longest that we can recognize very easily. Okay. Now, one important thing is that you can see such branched chain alkyl group. Previously, I have given you what is this? 1, 2, 3. 3 carbon ka group hai to propane se aya hua hai. Yani kaun sa hai? Propyl. 2 carbon ka ethane se aata hai? Ethyl. 1 carbon ka methane se aata hai? Methyl. So, this is 3 carbon group. So, that is propyl, no doubt. But propyl mein ये सेकेंडरी कार्बन है बीच वाला पहला नहीं है वो सो इट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल यू नो एक वीडियो में मैंने दिए हैं आपको पूरे ऐसे नेम्स आइसोप्रोपाइल क्या है आइसोब्यूटाइल क्या है सेक ब्यूटाइल क्या है टर्ड ब्यूटाइल क्या है दैट प्लीज रेफर दैट तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये एक ब्रांच ये एक ब्रांच हो गया इथाइल ये हो गया इथाइल अब नंबरिंग हमें देना है तो नंबरिंग कहां से देंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये तो दूर जा रहे हैं हम 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ये नजदीक वाला है सो डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट द नंबरिंग लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Yani 7 member chain is longest chain. That is heptane, no doubt. Ab 3 number ka jo carbon hai. It is having 2 branches of same member. What is that? Ethyl, ethyl. Toh kya aa jayega ye? 3, 3. डाइथाइल 3,3-diethyl क्योंकि ऐसा भी ई पहले आता है एंड देन डैश 4 डैश या हाइफन तो लिखना ही होता है हमको ओके आइसोप्रोपाइल को एक लिखते हैं नाम आइसो उसके साथ ही जोड़ के लिखते हैं वेन एवर आइसो एंड न्यू इज देयर आइसो एंड न्यू इट इज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल ग्रुप तो अल्फाबेट के लिए भी लेना है तो यही आय पहले आ जाएगा वहां पे इजंट इट अगर लेना है वैसा तो सो आइसोप्रोपाइल 4 आइसोप्रोपाइल और कितने कार्बन है 7 हेप्टेन दिस विल बी द करेक्ट नेम ऑफ दिस ओके आर यू गेटिंग दिस वेरी वेरी सिंपल Sometimes the question may be asked in the NEET examination also. And at that time, we should be able to recognize it correctly. Ek aisa hi question main aapko deta hu. CH3. Two, three, four, five, six, seven.
No, remember, actually, you know that. So, this was asked in NEET examination 2003. The equation. What is the correct IUPAC name of this? Okay. Actually, you know that terminal is CH3. So, need not write CH3. But, hame confusion karne ke liye. यानी हमें ऐसा लगना चाहिए कि ये ब्रांच है, इसलिए उन्होंने CH3 वहां पे दिखाया है. पर हम फंसने वाले नहीं है, बिकॉज यू आर माय स्टूडेंट. सो हाउ यू विल गेट चीटेड. तो ये CH3 ब्रांच नहीं है, ये CH3 ब्रांच नहीं है. लेट अस काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द सिलेक्टेड चेन. यही चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो आप, ये कार्बन नंबर एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात और ये आठ. देख लो, और प्रैक्टिस से हमें पता चलता है कौन सा एंड नजदीक वाला है. तो डायरेक्टली मैंने यहां से नंबरिंग चालू कर दिया 1 2 3, बिकॉज आई नो दिस इज द नियरेस्ट एंड. दिस यहां से अगर देता था 1 2 3 4 तो दूर जाता था. सो दिस इज नो डाउट नियरेस्ट एंड, एंड 8 कार्बन आर देयर इन द सिलेक्टेड चेन. सो डेफिनेटली इट इज ए ऑक्टेन. और देखो अभी चार नंबर के कार्बन पे कौन आ रहा है, व्हाट इज दिस, टू लाइन जंक्शन इज CH2 और ये CH3, यानी ये आता है इथाइल ब्रांच. देखो ये जो मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये जो है ये CH2 है, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3. सो नो डाउट दिस विल बी द इथाइल ग्रुप. ये CH2 यहां पे, सो दिस इज इथाइल, 4-ethyl, 3-methyl, octane. ये सही आंसर था, एंड यू वुड हैव गॉट दैट 4 मार्क्स डेफिनेटली नीट एग्जाम में 2003 के आया हुआ क्वेश्चन. कितना सिंपल है, अगर हमें आता है तो बिल्कुल, अगर रूल्स ध्यान में आ गए हैं तो हमें परेशानी नहीं होने वाली. ओके, अदरवाइज यू मे फील दैट. इसका नाम देखे, देखो CH3 CH C2H5, इजीली आ जाएगा, इजीली आ जाएगा. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. क्या लॉन्गेस्ट चेन में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 3 4 5 और 2 7 आ जाते हैं. अगर ऐसा लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ जाता है, और ऐसा लेता है तो 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 और 2 7, यानी ये आता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से नंबर दिए तो भी वैसे आएगा 1 2 3 4 5. लेकिन यही सही होगा, क्योंकि समेशन जो है वो मिनिमम आना चाहिए. सो 1 2 3 4, तीन और चार की समेशन 7 आ जाती है. इधर से अगर देते थे तो 1 2 3 4 5 आता था, सो समेशन 4 + 5 9 आता था. देखो आप करके देखो तो ये क्या आ जाएगा नाम, देखो 3 नंबर के कार्बन पे कौन आ रहा है, मिथाइल, 4 के भी मिथाइल. So its name should be 3-4-dimethyl
हिप्टेन, रिकॉर्ड देयर आर 7 कार्बन. ओके 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पे ही मैंने नंबर दिए है, उसको एक्सपांशन नहीं किया है. ये प्रैक्टिस से आने लगता है हमको. दो कार्बन है 1 2 3 4 5 ये दो कार्बन है 6 7 तो ये भी आदत डाल लो अच्छी तरह से, यानी फास्ट हो जाता है. तो क्या नाम आ गया 3,4-dimethylheptane. सो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द एग्जाम्पल्स वेरी प्रॉपरली. आप क्या करो, खुद भी प्रैक्टिस करने का सोचो जहां पर भी आपको मिलते हैं. अभी बहुत सारा हमें इसमें भी लर्न करना है. तो अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो क्या करना पड़ता है वो भी हम देखेंगे. इजंट इट, अगर ब्रांच्ड अल्किल ग्रुप है तो क्या करना पड़ता है. तो ब्रांच अल्किल ग्रुप के भी नाम देते हैं लेकिन वो ब्रैकेट में देते हैं, देखेंगे हम वो भी एग्जांपल देखेंगे. ओके टिल देन लर्न ऑल द एग्जांपल्स प्रॉपरली एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स.